हेलो फाउंडर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो जैसे मैंने सुबह पे बताया था कि हमारा जो एस्टर का अपडेट था वेबिनर का, वो तो अभी तक मैं जब वीडियो बना रहा हूँ अब तक तो नहीं आ पाया। ठीक है, हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे नहीं आया एंड वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ। लेकिन एक ज़बरदस्त अपडेट आया है, वो है नज़ल सर की तरफ से। नज़ल सर का एक न्यू ट्वीट आया है, न्यू इंटरव्यू आया है जो वीडियो के फॉर्म में भी आया है। उन्होंने ट्वीट किया, जिस चैनल पे किया था वो भी ट्वीट किया। तो सब कुछ एक एक करके आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं हर एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। एंड वो वीडियो भी मैं मेरा चैनल पे नहीं, उसका टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, उस वीडियो का। तो आप जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो पहले हम देख लेते उन्होंने क्या बोला। जो स्क्रीन पे है अभी मोहम्मद नज़ल सर का ट्वीट आप देख सकते हो, वहाँ पर वो लिख रहे हैं कि हैड द प्रिविलेज ऑफ स्पीकिंग विथ इंटरटेन मैगजीन में अबाउट द इमेंस पोटेंशियल ऑफ AI बिजनेसेस। तो एक उनके साथ एक पर्सनली इंटरव्यू हुआ नज़ल सर के साथ, और वो कहाँ पर हुआ था, वो जब जाइटेक्स ग्लोबल पे गए थे वहाँ पर हुआ था। किसके ऊपर बात हो रहे थे, AI के ऊपर, ठीक है। इन आवर इन डेप्थ कन्वर्सेशन वी डेल्व्ड इनटू हाउ AI इज रिवोल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्रीज, एनहेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड बूस्टिंग ऑपरेशनल एक्सपीरियंस एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या बोलना चाहते हैं। जब बोल रहे थे, जब उनके साथ बात हो रहा था तब उन्होंने AI के रिवोल्यूशन के बारे में बताया, इंडस्ट्री के बारे में बताया, कैसा हमारा एफिशिएंसी है एंड कैसे ये गेम चेंजर बनने वाले हैं वो बताया। एंड सिर्फ ये भी बताया कि AI इज़ नॉट जस्ट द फ्यूचर, AI सिर्फ फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है, दिस इज AI इज़ द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, वर्तमान है, अभी हम AI के युग में ही जी रहा है, ये नहीं फ्यूचर में जाएंगे, अभी AI चल रहा है। कंपनीज दैट एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी एंड आर स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व एंड रिपिंग द इनक्रेडिबल बेनिफिट्स। तो जो ये टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं एंड इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनका जो ग्रोथ का कर्व वो देख पा रहे हैं एंड इनक्रेडिबल बेनिफिट्स भी उठा पा रहे हैं। अ मैसिव थैंक यू टू सिमोफेजा, मतलब जिन्होंने इंटरव्यू लिया है उसका टैग नाम देखते हो सिमोफेजा, एंड फ्रॉम एंटरटेनमेंट मैगजीन मी, ये ट्विटर का हैंडल है, फॉर द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई इंसाइट्स ऑन द एक्साइटिंग टॉपिक। तो उन्होंने थैंक्स बोला है कि हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है। ऑन पैसिव को टैग किया, अभी आपको दिखाएंगे, अभी जो आप न्यू जो रिकॉर्डिंग देख सकते हो वो किसके ऊपर देख रहे हो, अभी जो आप ट्वीट देख रहे हो वो देखो एंटरप्रेन्योर मिडिल ईस्ट, मतलब ये जो मैगजीन है उसका नेम है एंटरप्रेन्योर मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, हाउ कैन टेक्नोलॉजीज प्रिपावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनहेंस योर कंपिटिटिव एडवांटेज एज अ बिजनेस। तो कैसे हमारा टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपका बिजनेस को एम्पावर करेगा और भी आगे बढ़ाएगा, ठीक है, ये कैसे होगा। हियर सुनो कंपिटिटिव एडवांट सॉरी हियर व्हाट ऑन पैसिव CMO, सुनो कैसे ऑन पैसिव का CMO मोहम्मद नज़ल हैड टू से अबाउट दिस टॉपिक, कि इस बारे में क्या बोल रहे हैं। व्हाट वी टॉक टू हिम एट दिस ईयर एडिशन ऑफ जाइटेक्स ग्लोबल, तो हमने उनके साथ क्या बात किया जाइटेक्स ग्लोबल पे, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, बोल के उन्होंने उनका वेबसाइट दिया और वेबसाइट का लिंक दे दिया entrepreneur.com। अभी हम उसका वेबसाइट पर जाएंगे एंड उसका लिंक को पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये है उनका वेबसाइट एंड उन्होंने वेबसाइट पर क्या लिखा है, ऑन पैसिव चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद नज़ल ऑन द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बूस्ट योर बिजनेस। तो ऑन पैसिव का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद नज़ल क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो है, उसका लिंक मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बंगाली एंड हिंदी दोनों चैनल है, ठीक है, जिस पे आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, दोनों का लिंक बैक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाओ। अभी वो क्या बोल रहा है उसके ऊपर हम चर्च करेंगे कि उन्होंने क्या बोला है इस इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा न्यूज़ आर्टिकल में क्या छपा है वो बात करेंगे।
वो बोल रहा है, ऑल्दो देयर रिमेन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि बहुत सारा यूजेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब AI हम कहीं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। इट इज़ नेवरलेस क्लियर दैट द अर्ली एडॉप्टर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैव द पोटेंशियल टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर कंपिटेटिव एज अगेंस्ट अदर। तो यहाँ पर कभी भी कोई मतलब ये नहीं है कि जो पहले अपनाएगा वो उनके कंप्यूटर से थोड़ा बहुत तो आगे जाएगा ही जाएगा। वी रिसेंटली स्पोक विद मोहम्मद नजल CMO एट ऑनपैसिव, हम कुछ दिन पहले बात किए थे हमारा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद नजल से जो ऑनपैसिव का है, अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटीग्रेटिंग AI टेक्नोलॉजी। तो AI टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ क्या फ़ायदा हो उनके ऊपर बात किए थे, हाउ इट कैन सुपर चार्ज मार्केटिंग कैंपेन्स एंड हाउ ऑनपैसिव स्वीट ऑफ AI सोल्यूशंस कैन एम्पावर बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस। तो बोला कैसे सुपर चार्ज कर सकते हैं मार्केटिंग को AI के द्वारा, एंड कैसे ऑनपैसिव AI सोल्यूशन, मतलब जो हम ला रहे हैं AI सोल्यूशन, वो कैन एम्पावर बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस, छोटा हो या बड़ा, एम्पावर ऑल बिजनेस, मतलब सब बिजनेस को और भी बढ़ा सकते हैं, जो ग्रोथ है वो ला सकते हैं कैसे हमारा सोल्यूशन। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वेन इट कम्स टू इंटीग्रेटिंग AI टेक्नोलॉजी इंटू योर बिजनेस, जब ये बात आते हैं कि आपका AI टेक्नोलॉजी को आपके बिजनेस के साथ जुड़ने का, नजल रिकमेंड स्टार्टिंग बाय आइडेंटिफाइंग ए स्पेसिफिक यूज केस वेयर AI कैन हेल्प सपोर्ट योर बिजनेस, वेदर इट इज़ टू इम्प्रूव एफिशियंसी प्रोडक्टिविटी और कस्टमर एक्सपीरियंस, चेक आउट द वीडियो टू लर्न मोर फ्रॉम नजल। तो ये क्या बोल रहे हैं कि AI नजल रिकमेंड कर रहे हैं कैसे आपका बिजनेस को पहचानोगे, उसके बाद AI कैसे आपका बिजनेस का सपोर्ट ले सकता है, बिजनेस में हेल्प कर सकता है, आपका इम्प्रूवमेंट ला सकता है, बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, ये सब कैसे होगा। अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो चेक दिस लिंक अबाउट द नजल। तो नजल सर का यूट्यूब वीडियो है मतलब उन्होंने जो इंटरव्यू लिया उसके बाद बोल रहा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो वो वीडियो का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे जाओ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ एंड वहाँ से आप एक्सपीरियंस देखो उस वीडियो को, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल का जो वीडियो है वो अभी तक पोस्ट नहीं हुआ, अगर पोस्ट होता है तो मैं तुरंत ही देख के आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और वो वीडियो आ गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो। एंड और एक बात, सुबह में मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिए थे, उस वीडियो को जाके भी देखो क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग कैसे हुआ है, सॉरी मार्चेंट के साथ क्या हुआ है एंड पेमेंट रिगार्डिंग क्या अपडेट था एंड बैकअप प्लान क्या है, वो उसके बारे में बात किया, तो वो भी सुन सकते हो। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।